नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग टेस्टी। आज हम बनाएंगे सभी को पसंद आने वाला वेजिटेबल पनीर सैंडविच, जो कि हेल्दी है और उसके साथ ही खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, जिसे बनाना है बहुत आसान, जिसे बच्चे बहुत चाव से खाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम। लेंगे एक कप पनीर बारीक ग्रेट किया हुआ, बारीक कटे हुए प्याज एक कप, स्वीट कॉर्न 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। साथ ही लेंगे खीरा, टमाटर और प्याज बहुत ही बारीक स्लाइसेस में कटे हुए। एक बॉल में हम 1/1 ऐड करते हैं पनीर, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न और बारीक ग्रेट किए हुए अनियन। साथ ही हम इसमें मिक्स करेंगे 1.5 टीस्पून सीजवान चटनी। अगर सीजवान चटनी ना हो तो आप टमाटो सॉस ऐड कर सकते हैं। तो हमारा कलरफुल वेजिटेबल पनीर स्टफिंग तैयार है। सीजवान चटनी में नमक, मिर्च, ब्लैक पेपर सब मिक्स हैं, इसलिए और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम 3 स्लाइसेस के सैंडविच बनाएंगे। एक स्लाइस में हम स्प्रेड करते हैं ग्रीन चटनी, पुदीने और धनिए की बनी हुई। दूसरे स्लाइस में हमने स्प्रेड किया है सीजवान सॉस, या आप टमाटो सॉस भी ऐड कर सकते हैं। अब स्टफिंग हम स्लाइस में भरते हैं, डालते हैं और बारीक कटे हुए स्लाइसेस प्याज के रखते हैं। साथ ही ऐड करेंगे खीरा और बहुत बारीक कटे हुए टमाटो के स्लाइसेस। चाहो तो यहाँ पर आप ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब हम दूसरी स्लाइस को रखेंगे, स्टफिंग को स्प्रेड करेंगे। साथ ही चीज़ को हम बारीक ग्रेट करेंगे। एक और स्लाइस चीज़ के ऊपर रखते हैं। चाहो तो आप इस तरह भी ले सकते हैं, या फिर आप बटर डालकर सेक सकते हैं सैंडविच को दोनों साइड अच्छी तरह से सेकें। इस सैंडविच को बच्चे बहुत पसंद करते हैं। थोड़ा सा चीज़ को और ग्रेट करें। हम सर्व करते हैं ग्रीन चटनी टमाटो सॉस के साथ। साथ में आप जूस भी ले सकते हैं। आपको यह मेरा डिश
या मेरा रेसिपी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमेशा ईट हेल्दी, बी हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक यू।